इस टाइम देखो क्या डैशिंग फोटोज उठे हैं, लेकिन एक फॉल्ट है खाली, इस टाइम मैं अवेलेबल नहीं था। ये रहा जी तब का फोटो जब हम मेहंदी लेके गए थे वहां पे। ऐसा पकड़ो होते हैं। अभी टाइम आता है निकलने का सुरनकोट के लिए, मे बी रात को पहुंचेंगे या कल सुबह पहुंचेंगे, क्योंकि हमें जाना है दूसरे रास्ते से। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक द न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जी लास्ट के व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम गए थे कुपवारा काम के लिए, एंड मैंने काम पे कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं फुल कॉन्सेंट्रेट कर रहा था काम पे ही। दैट्स वाई मैं उन दो दिन बिजी था बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाया। बाकी ये रही हमारी गाड़ी, काम से भी हम आ गए कल शाम को वापस। आज मैं इसलिए व्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि इस वाले व्लॉग में हमको दो काम है, दिखाता हूँ क्या क्या काम है, ठीक है। सो यहाँ पे वस्त यहाँ पे मस्त आया है खुद शाकिर भाई, ठीक है। एंड यहाँ से देखो क्या काम चल रहा है। हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो जी काम कुछ इस प्रकार का है, मैं गया था कुपवारा काम करने के लिए, वहीं से मैंने और दो मुर्गे लाए, ठीक है। तो दिखाता हूँ पहले मैं आपको मुर्गे कैसे है। ये देख लो जी, वो रहे जी दो मुर्गे, खरी मुर्गे नहीं है, मुर्गी एक और मुर्गा एक, ये मैंने गांव से लाया था क्योंकि मेरे को बहुत शौक है पालने का। दैट्स व्हाई मेरा वाला मुर्गा इस वाले मुर्गे को बहुत पीट रहा है सुबह से, इसलिए मैंने इनको अलग रखा है। दिखाता हूँ वो वाले किधर है, उन वालों को हमने इसमें रखा है। सही, ये है मेरे पुराने वाले, बाकी ये तीन अंग्रेज, ठीक है। तो जी फिलहाल हम करते हैं काम, ठीक है, एंड देखते हैं फिर क्या रहता है। फिलहाल फुरकत गया है कील लाने, जब तक वो कील आता है तब तक मैं दिखाता हूँ आपको इनका काम क्या कर रहे हैं। हिब्रान आपने इतना टाइम क्यों लगाया? वाल दून जल्दी जुपन हो दे। अच्छा वस्त है क्या? चलो अभी करते हैं नॉन स्टॉप काम, ठीक है। वीडियो बन रहा था वहां से। जो चीज़ हम बना रहे थे जानवरों के लिए उनका काम भी हो गया फिनिश, अभी बस जाल लगाना बाकी है जो कि हम कल लगाएंगे क्योंकि लेट हो गया था आज बहुत ज़्यादा शाम तक। एंड वो सब जोड़ने के बाद फिर मैं अंदर ही आया था, फिर डायरेक्ट नहा लिया एंड अभी मैं डायरेक्ट बिस्तर में घुस गया, ठीक है। तो जी फिलहाल बस खाना खाएंगे एंड आपसे मिलता है कल। कल मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाऊंगा, वैसे आपको पता चल ही गया होगा लेकिन फिर भी मेरे को कन्फर्म करना है कि वो चीज़ मेरे घर में है अभी या नहीं। भाई की शादी हो गई थी 3 महीने पहले, उसके एल्बम्स भी पहुंच गए, उसका वीडियो भी पहुंच गया आज से लगभग 2 महीने पहले, लेकिन मैं एक अलग ही ब्रेक पे चला गया था इसलिए मैं वो चीज़ आप लोग को नहीं दिखा पाया, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा वो आज, एल्बम भी दिखाऊंगा एंड वीडियो भी दिखाऊंगा सारा, ठीक है। लेकिन मेरे को भी देखना है पहले वो घर में होगा या नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि सारे रिश्तेदार लेते हैं देखने के लिए, क्या पता किसने लिया होगा, मैं वो चीज़ कन्फर्म करूँगा एंड आपको ज़रूर अपडेट दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए बाय बाय, आपसे मिलते हैं डायरेक्ट कल। हाँ जी दोस्तों, आज इस व्लॉग का दूसरा दिन एंड दिन की शुरुआत की हमने गर्मा गर्म नून चाय के साथ, तो पीते हैं चाय एंड पूछता हूँ घर वालों से कि वो चीजें यही पे है जो मैंने कल आपको बोला। पेन ड्राइव एल्बम दोनों यही थे, दोनों यही पे है एंड आपको मैं दिखाऊंगा बाद में कि कैसे है एंड क्या नहीं है। ये रहा एल्बम मेरे भाई की शादी का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूंगा, सॉरी इसलिए क्योंकि मैं 63 डेज तक गायब था यूट्यूब पे एंड उन दिनों अगर मैं वीडियोस डालता ये एल्बम मैंने आपको कब का दिखा दिया होता एंड पेन ड्राइव भी दिखा दी होती। एंड एक और बैड न्यूज़ है आज के व्लॉग में जो कि है पेन ड्राइव के रिलेटेड, पेन एक रिलेटिव आया एंड उसने ले ली, सो मैं मना नहीं कर पाया उनको इसलिए उन्होंने ले ली। अब वो एक दो दिन बाद देंगे, तो जब भी देंगे तब हम बनाएंगे उसके अच्छे से व्लॉग। फिलहाल आप एल्बम अच्छे से देख लो क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया बना है। वैसे दोस्तों बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि मैं पहले की तरह वीडियोस क्यों नहीं बनाता हूँ, इतना लेट लेट व्लॉग्स क्यों अपलोड करता हूँ। सो गाइस रीज़न यही है कि मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ एंड आपको पता है ये काम कितना हैक्टिक है, इसमें अगर व्लॉग बनाना स्टार्ट किया हमने तो या तो व्लॉग पे ध्यान देना पड़ेगा या तो काम पे ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए मैं फिलहाल काम पे ध्यान दे रहा हूँ, व्लॉगिंग थोड़ा साइड कर रहा हूँ। बट गाइस ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, आज मेरे को निकलना है, आज या कल मेरे को निकलना है सुरनकोट के लिए, सुरनकोट भी जाना है मुझे काम के लिए, ठीक है।
तो जो जो लोग सुरन कोट से है वो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना ताकि मुझे कुछ समझ आए कि सुरन कोट से कौन कौन है। एंड मैं आज पहली बार जा रहा हूँ सुरन कोट, तो मजा आएगा, देखते हैं कैसा रहेगा वहाँ पे काम। एंड व्लॉग भी हम डेफिनेटली बनाएंगे, जितना मेरे से हो सकेगा उतने व्लॉग्स मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, ट्राई करूंगा आपसे अपडेट रहने का। बाकी जी शादी का एल्बम दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा जी कैलेंडर, ठीक है, ये रहा जी फर्स्ट फोटो इसका। ऐसे मेरे को भाई समझ ही नहीं रहा, मैं ऐसे बैठा हूँ, दिखाऊंगा मैं कैसे आपको। वेट, कैमरा को स्विच करता है। हाँ बढ़िया है, अब मैं कैमरा फ्लिप कर भी दिखा सकता हूँ एंड ऐसे भी दिखा सकता हूँ। सो यहाँ पे फिलहाल है भाई के फोटोज एंड भाभी के, ये देखो जी भाई के फोटोज सी, एंड यहाँ से देखो हमारे कजन्स के फोटो, ये रहा लालू, ये रहा मट्टा भाई, ये रहे मेरे मामा, ये रही पुफी, ये भी रिश्तेदारी हमारे, ये भी है फैमिली फोटोज। देखो मेरा लुक क्या था शादी के टाइम, इनको तो सभी लोग जानते होंगे, छोटा छपरी, बड़ा छपरी, उससे बड़ा छपरी, ये भी कोई है। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, सीरियसली नहीं लेना, ठीक है। बाकी जब भी मैं एल्बम देखता हूँ तो मेमोरी ताज़ा हो जाते हैं, वल्ला लिटरली मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं शादी फील कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले की बात है एंड उस टाइम बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था उस टाइम शादी में, ठीक है। ऐसे देखो जी और फोटोज सी, ये रहा जी तब का फोटो जब हम मेहंदी लेके गए थे वहाँ पे, तब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया था हमें, इवन इतना ज़्यादा मज़ा आ गया था तब मैं गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था, मेरे पीछे मेरे कजन्स थे एंड हमारे बीच रेस चल रही थी मेरे दूसरे कज़न के बीच, एंड गेस करो वो रेस कौन जीत गया होगा, ऑब्वियसली मैं, क्योंकि दूसरे बंदे को रास्ता याद ही नहीं था, वो गुम गया था। मज़ा आ गया था बहुत ज़्यादा उस टाइम, बहुत ही ज़्यादा जी। हमारे बाकी कजन्स सी सी, एंड ये एक ऐसा मोमेंट जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता भाई साहब। वेल डिस्कस करने के लायक नहीं होगा यूट्यूब पे, बट ये एक ऐसा मोमेंट है जो मेरे को हमेशा याद रहेगा। उस टाइम मेरा भाई रोया था, मेरा भाई क्या दोनों रोए थे। वेल जिसने शादी एंटर की होगी उसको पता होगा कि इस टाइम क्या हुआ था, ठीक है। ये रहे हमारे बुरहान साहब, चाचा, चाची, पुफी, पुफेरा भाई, पुफेरी बहन, पुफेरी बहन सारे। बाकी इस फोटो के लिए कुछ कमेंट्स नहीं है, आप लोग इस फोटो पे जरूर कमेंट करना, नीचे कमेंट सेक्शन खुला होगा, ठीक है, याद से कमेंट कर लेना। हबीबी, ये रही मेरे व्लॉग की थंबनेल जो मैंने उस टाइम रखी थी, हमारे कजन्स का फोटो सी। इस टाइम देखो क्या डैशिंग फोटोज उठे हैं, लेकिन एक फॉल्ट है खाली, इस टाइम मैं अवेलेबल नहीं था, ना पता नहीं किधर था, वरना मैंने भी इधर फोटोज कैप्चर किए होते एंड तब मेरा लुक एकदम अमेजिंग था, यहाँ पे चढ़ रहा का वो फोटो, इस टाइम मेरा लुक बढ़िया था, लेकिन मैं पता नहीं किधर था इस टाइम, इसलिए मैं फोटोज नहीं खींच पाया भाई के साथ, ठीक है। आप लोग को एक फोटो दिखाता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब उसको ऐड करने की क्या जरूरत थी, उधर मैं इतना वाहिया दिख रहा हूँ बट फिर भी उन्होंने ऐड किया है वो, आपको मैं दिखाता हूँ, वेट। ये राजी वो फोटो भाई साहब, यहाँ से देखो इसका भी फोटो ऐड किया है, यहाँ से देखो इस फोटो को देखकर मेरे को एक ही रिएक्शन आ रहा है, ब्रदर व्हाट्स दैट भाई साहब क्या फोटो किया है नेड। इसी के साथ होता है जी एल्बम फिनिश, साथ होता है एल्बम फिनिश, मैंने आपको सारा दिखाया जो जो दिखाना पॉसिबल था, इसको यहीं पे रखते हैं क्योंकि ये इन्हीं का है, मैंने थोड़ी देर के लिए उधार लिया था, ले लो करो स्टार्ट गाड़ी अच्छे से। वेल दोस्तों हो गया मैं अच्छे से रेडी, अभी टाइम आता है निकलने का सुरन कोट के लिए, ठीक है, अभी टाइम आया दिन के 2, तो मे बी रात को पहुंचेंगे या कल सुबह पहुंचेंगे, क्योंकि हमें जाना है दूसरे रास्ते से, क्योंकि मुगर रोड अभी बंद है, दैट्स वाई। तो जी ये रहे मेरे कपड़े, निकलते हैं काम पे, बराबर मेरे को 10-15 दिन बैठना है वहाँ पे, उसके बाद ही आएंगे वापस, एंड टेंशन नहीं लेना, व्लॉग भी मैं अच्छे से डालूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है, जाते हैं। ये रही गाड़ी जी, बाय बाय, ओके बाय बाय। अच्छा नहीं आ रहा ऐसा पकड़ा, तेज इसे पकड़ा, सिर्फ तेज
दोस्तों हम निकल गए काम पे अभी, बस इसके बाद वाले व्लॉग्स जो भी आप देखोगे वो होंगे सुरनकोट वाले, ठीक है। एंड मैं रास्ते में भी व्लॉग शूट करूंगा जो रहेगा, ठीक है। चलिए जी इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ये वाला व्लॉग किसी भी रीजन से पसंद आया होगा तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब याद से कर देना। मिलते हैं आपसे जल्दी सुरनकोट में एग्जैक्टली, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज। एंड ये वाला व्लॉग होगा टू बी कंटिन्यूड, यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा इसका सेकेंड पार्ट, क्योंकि गाइस व्लॉगिंग पे भी फोकस देना है मेरे को जरूरी, इसलिए करते हैं कैमरास, इसलिए करते हैं इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।